तो गाइस देखिए अनिल भाई की दुकान आ चुका है। हाय अनिल भाई, मैं इनका हेयर कट करने वाला हूँ। बहुत अच्छे से चूल्हा कैसे चलेगा, हम लोगों घर कैसे चलेगा, रोजी रोटी क्यों मार रहे हो, रोटी के बारे में हमारे बारे में सोचे ना। पर मैं सोशल मीडिया पे बोल दूंगा ये आदमी मेरे लिए गलत करता है। ₹1000 सेविंग भी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है संडे, और गाइज आज संडे सुबह उठते ही सब लोग अपने अपने काम में लग गए। तो अभी देखिए आदि यहाँ पे ड्राई ठीक कर रहे हैं, और इससे पहले मैं बना रहा था जो गाइज टूट गया था हम लोग का वो जो चॉपर वो बना रहा था मैं, तो ये बिल्कुल बन के हो गया तैयार। और आज गाइज जैसे संडे है तो आज के दिन भैया कुछ अच्छा चीज़ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, तो वैसे ही हर बार की तरह इस बार ही भैया इस संडे को भी कुछ बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और पूछते हैं भैया से कि इस संडे क्या स्पेशल बना रहे हैं भैया। तो इस संडे क्या स्पेशल बना रहे हैं किचन में? आपे बना रहे हैं? आपे मतलब ओ भाई साहब पुआ जैसा ये ऐसे है देखो। तो इसमें क्या क्या चीज़ डाल के बना रही है? कुछ भी नहीं, बस ये विदाउट ऑयल है, इसके अंदर जरा सा भी ऑयल नहीं है। फिर ये पानी है पका हुआ है? पानी नहीं, ये सूजी का बैटर बना हुआ। अच्छा, और इसमें ये बन रहा है साउथ इंडियन डिश है क्या? हाँ, और इसके लिए हमने यहाँ पर चटनी बना रखा है, ये चटनी के साथ चलेगा। किस चीज़ की चटनी है? ये बादाम वगैरह ये सब चीज़ों का मिक्स करके बनाया गया, पीनट्स वगैरह का। अच्छा, देख के तो मस्त लग रहा है, हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह का। गाइस भैया हर संडे कुछ यूनिक बनाते हैं, इस संडे क्या बनाया? आपे। आपे नाम कौन रखा इसको, इससे अच्छा छिलका रोटी नाम रख दी। आपे आपे नाम है आपे। तो गाइस अभी बनने देते हैं आपे डिश, और बनने का फिर अभी खाएंगे हम लोग। अभी देखिए वैसे पूजा कर रही है वहाँ, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं बिल्कुल। तो ये निकला था? हाँ, तो आदि बाल कटने चलेगा, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना आपसे ज़्यादा मेरा बड़ा। नाप लीजिए। तो गाइस चलिए इस अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चलेंगे यामिन भाई के पास बाल कटवाने के लिए। तो फिलहाल अभी आदि को ये रिपेयर करने देते हैं। तो ये देखिए भैया का ढेर सारा आपके बन चुका है, बस अभी आखिरी चढ़ा हुआ है, ढेर सारा बना हुआ देखिए। कलर कैसे चेंज हुआ भाई इसका देखो। तो इसको अभी खा सकते हैं तुरंत क्या? अभी जस्ट खाएंगे इसको, इसको बनने देते हैं अभी। ये बहुत हेल्दी है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सुबह सुबह तो फटाफट बन भी आता है, और सुबह के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट भी है ये। भाई जब तक भैया ये बना रहे तब मुझे याद आया कि मैंने तो आज ब्रश ही नहीं किया सुबह से, फिर मैं दौड़ गया गाइस ब्रश किया फटाफट, और उसके साथ साथ हमारा ये बन के भी आ चुका, पूरा सर्व भी हो गया, तो सही टाइम है बिल्कुल ब्रश करके आ गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए गाइस। और ये रहा चटनी, तो भैया सही वक्त पे सर्व किया और हम ब्रश करके भी आ गए। तो चलिए फटाफट से नॉन स्टॉप फटाफट से खाते हैं इसको। इसके बाद हम लोगों को जाना है गाइस यामिन भाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए भी, और वहाँ से कुछ कुछ सामान लेके आना है अभी वहाँ से। आपको बताएंगे गाइस वीडियो में बने रहिए आगे, कहाँ हम लोग बाल कटवा कहाँ जाएंगे कुछ कुछ सामान लेने के लिए। पहले फटाफट से जिस चीज़ पर आया है उसको कॉन्सेंट्रेट करते हो, फटाफट से खाते हैं इसको। तो देखिए अभी भैया इसके साथ लेके आ गए हैं दही, और भैया दही में क्या छीट दिए? दही में क्या छीटे? जीरा पाउडर, जीरा है थोड़ा सा, जीरा पाउडर। और ये चीज़ आप लोगों को जान गए, बहुत खुशी होगा गाइस कि ढेला ढेला वाला दही, इतना तगड़ा दही पता है कौन बनाया? हमारी प्यारी भाभी घर में, वो भी मिट्टी के बर्तन में, समझ रहा दी? सच में ऐसा दही खाओ बहुत जमाना हो गया, इतना ढेला ढेला वाला वाला गीला गीला दही दुकान में मिलता है। वाह भाभी वाह। चलिए गाइस सभी आते हैं। किसके लिए बना है? थैंक यू। तो भाभी सब खा लीजिए अकेले फिर। आधी जल्दी खाइए फिर हम लोग चलना भी है, उधर सामान भी लेके आना है। मैं आज बिल्कुल आज का दिन बना लिया, मजा आ रहा खा के एकदम, इतना
मस्त लग रहा खाने सच में। सुबह का आज दिन बना दिया आप, क्या दिया आपको, कैसा अच्छा लग रहा खाना? हमको तो बड़ी मजा आ रहा है खाने में, सिंपल सा अच्छा, एकदम पुआ वाला फील आ रहा है मस्त, पुआ का छिलका क्या। तो गाइस अभी मस्त सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, मजा आ गया बिल्कुल आज का ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि आज भैया जो बनाए थे सबसे ऐसा यूनिक चीज़ तो आज खाए थे अभी से पहले मस्त यूनिक, और खाने में बिल्कुल टेस्टी, मजा आएगा। हाँ तो चलिए गाइस फटाफट से निकलते हैं और चलते हैं यामिन भाई के पास, बाल वाल कटवाते हैं, थोड़ा अजीब सा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया, अजीब सा गंदा लग रहा, तो चलिए चलते हैं अभी। तो गाइस अभी नीचे आ गए हैं और ओ भाई साहब कितना गंदा है बाइक और स्कूटी, तो गाइस देखिए स्कूटी कितना गंदा है, भयानक गंदा हो गया, बारिश जो आया था उस दिन तो पूरा गंदा ही है, अभी आधी सफाई कर लेते हैं, बाइक तो साफ है लेकिन धूप देखी था तगड़ा है गाइस वो, तो चलिए इसको सफाई करते फिर निकलते हैं अभी यहाँ से। तो गाइस देखिए अमिन भाई की दुकान आ चुका है, तो हाय अमिन भाई, मैं इनका हेयर कट करने वाला हूँ, बहुत अच्छा से, तो मैं ज़रा इंसान बना दी, जानवर जैसा हो गया बिल्कुल, ये बंदा तो खरगोश बन गया, लेकिन इतना ज्यादा गर्मी का प्रेशर आने लगा, टकला हो जाए, हम लोगों का चूल्हा कैसे चलेगा, हम लोगों का घर कैसे चलेगा, रोजी रोटी क्यों मार रहे हो, रोटी के बारे में हमारे बारे में सोचे ना, पर मैं सोशल मीडिया पे बोल दूंगा ये आदमी मेरे लिए गलत करता है, 6 महीना, ओह माय गॉड, 6 महीने में कम से कम अपना 10 बार कटिंग करेंगे, और 300-400 रुपया काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा 100-150 रुपया सेविंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, 100-150 का ही टर लेके चलिए तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 150-900-1000 रुपये तो इसे होगा, 1000 रुपया भाई एक बार, अभी काफ़ी लोग कर जाएगा भाई, मेरे को मालूम नहीं था ऐसे लोग भी हैं, अरे पहले हमारे बारे में सोचे, मैं सोशल मीडिया लेके आ जाऊँगा घर पर देख लेना, अभी 1 महीना तक अभी थोड़ी कोई वेट करता है कटाएंगे, 20 दिन। तो यार मैं मेरे बाल तो बहुत गंदा से पड़ गया है ना, तो थोड़ा मस्त बना दीजिए, और मैं भी आलिम हकीम का फैन हूँ भाई, आलिम हकीम मेरे, अरे हमारे लिए तो आलिम हकीम आती है यार, सर मैं क्या बोलूँ, मैं आपके वीडियो में बोला चाह रहा हूँ, आलिम हकीम का फैन हूँ, एक बार मैं घर भी छोड़ चला हूँ उसके, मैं मुंबई में गया था उसके लिए, स्कॉप पर जगह जगह मैं तलाश किया आपके यहाँ जॉब, तो मेरे को नहीं मिल पाया, फिर मैं बैग दोबारा दिल्ली आ गया, भाई की बड़ी दुख भरी कहानी है ना, बिल्कुल सर, मैं मेरा आपको आ नहीं रहा मैं, लेकिन मैं अभी पानी मारूंगा आ जाएगा, मतलब रोना चाह रहे दिल से, हाँ तो यहाँ देखिए आदि हेड मसाज करवा रहा है, मेरा तो हो गया है देखिए मस्त, तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलेंगे, गाइस अभी मस्त यामिन भाई के दुकान से डायरेक्ट घर आ चुके हैं, और गाइस जब तक आदि अपना बाल और कटवा रहे थे तब तक मैं चला गया था वो सामान लेने, जो बताया था गाइस आपको वो सामान क्या था गाइस, तो गया था मैं चिकन लेने के लिए, क्योंकि आज है संडे, तो घर में आज पूरे 10 दिन के बाद गाइस आज चिकन बनने वाला, तो चिकन बनाने की जिम्मेदारी मेरी और आदि की है, तो चलिए बाल कटवा के आए हैं, तो ऐसे में गाइस क्या है कि पहले स्नान वगैरह कर लेते हैं फिर बनाएंगे चिकन, तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से स्नान करने के बाद मिलते हैं आपसे, और फिर बनाएंगे मस्त टेस्टी सा चिकन। गाइस अभी मस्त स्नान वगैरह करके आ गया, और गाइस मज़ा आ गया बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, लेकिन एक बात है आदि, मसाज कराने के बाद मस्त माथा हल्का लग रहा, स्नान करने के बाद ना मस्त हल्का लग रहा माथा मेरा, तो मज़ा आ गया बिल्कुल गाइस, मतलब हम लोग गाइस हेयर कटिंग के बाद हम लोगों ने मसाज भी करवाया था, मतलब मस्त ठंडा ठंडा तेल लगा के आया है, मज़ा आ गया, नहा रहे थे उस समय ठंडा लग रहा था, और बाहर जब हम वो करा के बोले चिकन लेने के लिए गए, जब भाई साहब हवा जो चल रहा था ना गर्म हुआ था बिल्कुल धूप वाला, ठीक है फिर भी मस्त ठंडा होगा सर, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था हमको, तो और ठंडा लगता है, लेकिन इसी दीदी जला के 2 बाल्टी था, हाँ। वो क्या एक बाल्टी पोछा लगा दे, हाँ। एक बाल्टी जो ठंडा था हम पहले ना लेमन को लगा, दोनों ठंडा हम नहा लिए, नहाने के बाद के जब कम पड़ा गर्म पानी से, ओ हम जब खोले तो पूरा ठंडा पानी आ रहा था मस्त, थोड़ा यूज किए तो गाइस चलिए फटाफट से अभी चिकन बनाते हैं और मिलते हैं आपसे अभी पूरे लगभग 1 घंटे के बाद, चिकन बनाने के बिल्कुल बाद आपसे मिलते हैं गाइस। गाइस अभी गए थे आदि बाहर, और बाहर से गाइस आदि लेके आए हैं समोसा और जलेबी, मतलब यहाँ बगल में गाइस बहुत टेस्टी सा समोसा और जलेबी बनाता है वो, तो वहाँ का गाइस समोसा ज़्यादा अच्छा, जलेबी वहाँ का बहुत मज़ा आता है खाने में, खासकर जब गर्म गर्म हो तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस ये रहा समोसा और जलेबी, समोसा जला दिया आदि हल्का हल्का, और समोसा गर्म मिले, जलेबी इसका सबसे मस्त लगता है वो खाने में, है ना आदि, देखिए आदि सबसे पहले जलेबी खा रहे हैं, जलेबी खाते हैं।